हेलो। हाँ वीडियो कनेक्ट नहीं हुआ। हेलो। हाँ जी, अब आ गया। बिल्कुल सही। चलिए। हाँ वही साथियों, आ जाओ, जुड़ जाओ। अब अपने आ आ गया गया बोर्ड। बोर्ड। आ जाओ भैया, आ जाओ। जाओ। ऋषभ ऋषभ जोशी, जोशी, वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। जय जय धाकड़। धाकड़। हेलो, हेलो, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सभी सभी को। को। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। चलिए चलिए भैया। भैया। राहुल राहुल जी, जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। चलिए चलिए भैया, भैया, स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। टर्मिनोलॉजी, ठीक ठीक है। है। अलग 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 पशुओं पशुओं में में प्रयुक्त प्रयुक्त होने होने वाली वाली जो जो टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी है है वो वो अपन अपन इसके इसके अंदर अंदर देखेंगे, देखेंगे, ठीक ठीक है। है। सबसे सबसे पहले पहले देखो, देखो, एक एक दो दो चार चार अपन अपन ने ने कल कल देखी देखी थी, थी, उन्हीं उन्हीं के के बारे बारे में में फिर फिर से से बात बात कर कर लेता लेता हूँ। हूँ। काऊ, काऊ, काऊ की, की, और और एक एक बात बात कर कर लेते लेते हैं हैं अपन अपन सी सी बफेलो, बफेलो, ठीक ठीक है। है। काऊ काऊ और और सी सी बफेलो, बफेलो, इनके इनके लिए लिए अगर अगर मैं मैं बात बात करूं, करूं, सबसे सबसे पहले पहले तो तो अपन अपन क्या क्या बोल बोल देंगे, देंगे, वयस्क वयस्क मादा मादा कैटल, कैटल, क्या क्या बोल बोल देंगे देंगे इसके इसके लिए? लिए? वयस्क वयस्क मादा मादा कैटल, कैटल, जो जो क्या क्या कर कर चुकी चुकी हो हो एक एक बार बार बच्चा बच्चा पैदा पैदा कर कर चुकी चुकी हो, हो, ठीक है। और और सी सी बफेलो बफेलो में में भी भी क्या क्या हो हो जाएगा? जाएगा? वयस्क वयस्क
मादा यहां पर क्या रहेगी, बफेलो जो क्या कर चुकी हो, एक बार कम से कम क्या कर चुकी हो, बच्चा पैदा कर चुकी हो। ठीक है दोस्तों, देशराज गुज्जर क्या मैसेज करके डिलीट कर रहे हो रे। चलो आवाज तो आ रही है आप लोगों को, दिख थोड़ा साफ नहीं रहा है। चलिए हाँ जी, अब इसके बाद अपन बात करते हैं बुल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, बुल बुलो और टीजर बुल, बुल बुलो और टीजर बुल। बुल तो क्या होता है, अनकास्ट्रेटेड मेल होता है, यानी इसका कास्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, अनकास्ट्रेटेड मेल होता है कौन, बुल। ठीक है, तो अनकास्ट्रेटेड है तो इसको किसमें यूज करेंगे, ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग में यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बुलोक की, तो बुलोक कैसा है, कास्ट्रेटेड मेल है, और इसका कास्ट्रेशन किस पर्पज के लिए किया जाता है, इसका कास्ट्रेशन किया जाता है ड्रॉड पर्पज के लिए। ठीक है, इस कौन से पर्पज के लिए कास्ट्रेशन करते हैं, इसका ड्रॉड पर्पज के लिए, और इसकी एज जो लगभग है वो 2 ईयर या इससे क्या लगभग ऊपर मानी जाती है। ठीक है, लगभग 2 ईयर या इससे ऊपर मानी जाती है। बात करता हूं फिर टीजर बुल की, कौन से बुल की, टीजर बुल की। टीजर बुल जो है ये कैसा बुल होता है, वैसेक्टोमाइज्ड, वैसेक्टो माइज्ड बुल, नॉट कास्ट्रेटेड। यानी इसका कास्ट्रेशन किया हुआ नहीं होता है टीजर बुल का, वैसेक्टोमाइज्ड बुल होता है। काम क्या रहता है इसका, हीट डिटेक्शन, हीट डिटेक्शन के काम में आता है। ठीक है, हीट का मतलब ताव में आना, हीट डिटेक्शन के काम में आता है, और हीट डिटेक्शन के लिए जो बेस्ट टाइम होता है, हीट डिटेक्शन का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग। हीट डिटेक्शन का जो बेस्ट टाइमिंग होती है वो आपकी होती है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इतनी बातें अपन ने कल कर ली थी कंप्लीट लास्ट तक। एक चीज और पढ़ी थी इन्हीं के साथ, ये 3 हो गए थे, इनके अलावा एक और बता देता हूँ, स्टीयर। स्टीयर क्या होता है, देखो कास्ट्रेटेड मेल होता है अगर ड्रॉड पर्पज के लिए तो उसे कहते हैं बुलडॉग, लेकिन अगर कास्ट्रेटेड मेल को कास्ट्रेशन किया, मेल का कास्ट्रेशन किया लेकिन उसका मीट पर्पज के लिए किया, तो कास्ट्रेटेड मेल होता है लेकिन उसका कास्ट्रेशन किस पर्पज के लिए किया है, मीट पर्पज के लिए किया है, मीट पर्पज के लिए उसका कास्ट्रेशन किया है, तो उसे क्या कहेंगे, शीयर कहेंगे। वेरी गुड इवनिंग आयुषी जी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर काफ। ठीक है, काफ और काफ की बात करेंगे, तो काफ जो आपका है वो इनका बच्चा रहेगा 1 साल तक का, क्या रहेगा, बच्चा रहेगा 1 साल तक का, तो केटल बफेलो का 1 ईयर तक का बच्चा, केटल या बफेलो का 1 ईयर तक का बच्चा। ठीक है, 1 ईयर तक का बच्चा उसे किसके अंदर बोलेंगे, अपन काफ के अंदर बोलेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हिफर। हिफर हिंदी में बोलो तो बछिया,
या भैंस के लिए यूज करेंगे तो पाडी, ठीक है। तो हीफर बछिया या पाडी ये क्या होती है, फीमेल कैटल बफेलो होती है, फीमेल होती है कैटल या बफेलो जिसकी एज क्या होती है 1 ईयर से ज्यादा। देखो 1 ईयर तक तो क्या बोलेंगे कास्ट, और फीमेल कैटल बफेलो है एज 1 साल से ज्यादा है, लेकिन खास बात यहां पर क्या होनी चाहिए, एक बार भी बच्चा पैदा नहीं किया है, हीफर ने एक बार भी बच्चा पैदा नहीं किया है, ठीक है। तो हीफर कौन होती है, अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है, एज क्या है 1 ईयर से ज्यादा, और यहीं पे लिख देता हूं अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया, यानी हीफर में कौन आती है, वह बच्ची या पाड़ी, फीमेल कैटल या बफेलो जिसकी एज 1 साल से ऊपर है लेकिन उसने कोई बच्चा नहीं दिया। एक बार फटाफट में फिर से बोल देता हूँ इन सभी को, काऊ क्या है, वयस्क मादा कैटल है जो एक बार बच्चा पैदा कर चुकी हो, सी बफेलो क्या है, वयस्क मादा बफेलो जो एक बार बच्चा दे चुकी हो, बुल बुलडॉग और टीजर बुल, बुल क्या है अनकास्ट्रेटेड मेल है, यूज किसमें करते हैं ब्रीडिंग में, ठीक है। बुलडॉग क्या है कास्ट्रेटेड मेल है, ब्रॉड पर्पज के लिए कास्ट्रेशन किया है, एज क्या होती है इसकी 2 साल से ज्यादा। फिर मैं बात करता हूँ टीजर बुल क्या है, वैसेक्टोमाइज्ड, क्या है वैसेक्टोमाइज्ड बुल है, हीट डिटेक्शन के क्या आता है काम आता है, और हीट डिटेक्शन का बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और टीजर बुल जो है नॉट कास्ट्रेटेड, कास्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, स्टीयर जो है ये कास्ट्रेटेड मेल है, मीट पर्पज के लिए इसका क्या किया गया है कास्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। काफ क्या है केटल या बफेलो का 1 साल तक का क्या है बच्चा है, हीफर क्या है बछिया या पाड़ी है, फीमेल केटल या बफेलो जिसकी एज 1 साल से ऊपर है और अभी तक कोई बच्चा जिसने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सभी इसके अंदर शामिल हो गए। चलिए अब और अपन आगे बात करते हैं। हाँ जी हाँ जोटी, अरे जोटी वाई वाई गेमिंग, क्या गेमिंग। चलिए अभी और नेक्स्ट देखते हैं अब इसके अंदर अपन आगे। अब अपन इसके अंदर देखेंगे हीपर का और बुल का, हीपर का, हीपर का और बुल का। देखो भैया का मतलब क्या है 1 साल तक का, यानी 1 साल से छोटा होना चाहिए, और हीपर लग गया मतलब कौन है फीमेल, यानी कि फीमेल है, ठीक है फीमेल है, और फीमेल का है जिसकी एज कितनी है 1 ईयर से कम, ठीक है। और यहां पर बुल का क्या हो जाएगा भैया, बुल मतलब मेल है, का यानी उसका मेल का मेल है, ठीक है। एज जिसकी कितनी है 1 साल से कम है, एज कितनी है 1 साल से कम है, तो वो हो गया आपके बुल का, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद में है हर्ड, क्या है हर्ड, तो मैं यहां लिख देता हूं हर्ड, हर्ड क्या है केटल या जो बफेलो है, केटल या जो बफेलो है, केटल या बफेलो का ग्रुप, केटल या बफेलो का जो ग्रुप है उसे क्या कह देंगे हर्ड कह देंगे। फिर देखो एक और नाम है बेलोविंग, बेलोविंग, बेलोविंग यानी रमखाना, यानी कि ये क्या है केटल या बफेलो की क्या है आवाज है, ठीक है। इसी के साथ यहां पर एक और टर्म लिख देता हूं वेलोविंग, ये ध्यान रखना वेलोविंग, वेलोविंग का मतलब क्या हो गया है कीचड़ में लौटना, ठीक है। वेलोविंग का मतलब क्या है कीचड़ में लौटना, हाँ जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका कौन है भैंस, ठीक है भैया।
अब ये यहां तक हो गए, एक बार अपन इनको फिर से देख लेते हैं। आवाज निकालना ग्रुप, वेरी गुड दिनेश जी, वेरी गुड, एक्टिव है दिनेश जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दिनेश जी, बहुत अच्छे। चलिए काऊ वयस्क मादा कैपिटल गेट हो गया सर। वेलोविंग हर्ड क्या है, यानी इनका जो समूह, यानी इनका जो ग्रुप है, किनका, कैटल और बफेलो का जो ग्रुप है, उसे क्या कह देंगे अपन, हर्ड कहेंगे। और बेलोविंग जो इनकी आवाज है, जो इनकी साउंड है, उसे अपन क्या नाम दे देंगे, बेलोविंग नाम दे देंगे। और एक इसी से मिलता जुलता नाम होता है बेलोविंग, कीचड़ में लोटना। बेलोविंग क्या है, कीचड़ में लोटना। भैंस लोटती है, और इसके अलावा और कौन लोटती है, सुअर लोटती है। भैंस भी लोटती है कीचड़ में, और कौन लोटती है, सुअर। बिल्कुल बिल्कुल, आईसीसी का मैसेज, पिग बफेलो, बिल्कुल पिग और बफेलो, ठीक है। हाँ तो देखो बफेलो, बफेलो का एक और रीजन है कि बफेलो बार बार कीचड़ में लौटने का उसका कारण क्या है, गर्मियों में स्पेशली देखिए, गाय को आपने कभी लौटते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि एक मुख्य काम और होता है कि उसको बफेलो को अपने बॉडी का क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है इसका मुख्य कारण सुनना, गाय को आपने कभी कीचड़ में लौटते नहीं देखा होगा, लेकिन बफेलो को आपने बहुत बार देखा है। इसका देखना एक बहुत अच्छा रीजन होता है। एक तो अपन नॉर्मली कहते हैं कि वो एक्टोपेरासाइट हट जाते हैं, वो तो बाद की बात है। बफेलो का एक अच्छा रीजन ये है कि बफेलो जो है उसकी जो स्किन है उसके अंदर जो पसीने का श्रावण करने वाली ग्रंथियां हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स है, वो बफेलो के अंदर बहुत कम होती है गाय की तुलना में। गाय में है वो बफेलो की तुलना में 10 गुना तक ज्यादा होती है, यानी गाय के अंदर स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जो स्किन है, बॉडी है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है पसीने के सराउंड। जैसे अपन देखते गर्मी होती है, गर्मी होती है तो अपनी बॉडी से अपने आप पसीना निकलने लगता है, ठीक है, और अपने ठंडक का एहसास होता है, उसी तरीके से गाय के भी ये सिस्टम चलता है। लेकिन जो भैंस है उसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स है, पसीने स्रावण वाली जो ग्रंथियां है, वो बहुत कम होती है। तो वेलोविंग जो है वो भैंस में मिलता है, गाय में नहीं मिलता, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद और यहाँ पर एक और नाम है, क्रिप्टो ऑर्किड फ्री मार्केट। चलिए अपन नेक्स्ट में देखते हैं क्रिप्टो ऑर्किड। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, छुपे हुए, ठीक है। चलिए इसे अपन नेक्स्ट में समझते हैं क्रिप्टो ऑर्किड को। क्रिप्टो ऑर्किड की बात करेंगे अपन नेक्स्ट में, आराम से इसके बारे में थोड़ा समझाना भी है। चलिए हाँ जी देखिए, क्रिप्टो क्रिप्टो का मतलब होता है छुपे हुए। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब जन्म होता है उससे पहले क्या होता है, जो दोनों टेस्टीज होते हैं मेल के, वो कहाँ रहते हैं, उदर गुहा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उदर गुहा में। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए उदर गुहा है, ठीक है, उधर गुहा है, इधर पेट वाला भाग है, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है, ये मान लीजिए उधर गुहा है और नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए स्क्रोटम है, यहाँ नीचे की तरफ क्या है, स्क्रोटम है, ठीक है। तो जो टेस्टिस होते हैं वो जन्म से पहले कहाँ होते हैं, उधर गुहा में होते हैं। ऊपर मान लीजिए कौन सी गुहा है, उधर गुहा है, ठीक है। तो जो टेस्टीज है वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं जन्म के पश्चात,
किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर, घर्षण कोष के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिप्टोरकिड का मतलब क्या होता है? छुपे हुए। मतलब ये टेस्टिस जो है, या तो एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस जो है वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, वो उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं। देखो बाहर आने का भी एक रीजन है कि टेस्टिस बाहर क्यों आ गए। टेस्टिस का उदर गुहा में रह जाना, बिल्कुल सही बात है दिनेश जी, बिल्कुल सही बात है। अब टेस्टिस उदर गुहा में रह जाते हैं तो उसका क्या नुकसान है, और बाहर आते हैं तो टेस्टिस बाहर क्यों आते हैं? ठीक है, आपने 12th एनसीईआरटी में ये लाइन पढ़ी होगी कि यहाँ से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, उसकी तुलना में जो शुक्राणु निर्माण है, इसका निर्माण है शुक्राणु निर्माण है, उसको शुक्राणु के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम चाहिए। शुक्राणु के निर्माण के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर की तुलना में 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। ठीक है, और वो यहाँ पर स्क्रोटम जो है बॉडी के बाहर रहता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? 2-3 डिग्री तक कम रहता है। ये यहाँ आसानी से इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्रिप्टोर्किड अगर उदर गुहा में टेस्टिस रह गए तो उसके अंदर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी वो क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। तो क्रिप्टोर्किड का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अब अच्छे से। ठीक है, क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब छुपे हुए। कहाँ छुपे हुए रहेंगे? उदर गुहा। चलिए अब अपन वापस टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जी दिनेश जी, चलो देखते हैं। क्रिप्टोर्किड, क्रिप्टोर्किड के अंदर क्या लिख लेंगे अपन? मेल कैटल बफेलो। सीधी सी बात है, टेस्टिस मेल में ही होंगे, मेल या कैटल बफेलो में। एक या दोनों टेस्टिस उदर गुहा में रह जाते हैं, ठीक है, अर्थात स्क्रोटम यानी कि व्रसन कोष में नहीं आते। ठीक है, और ध्यान रखें कि दोनों टेस्टिस अगर नहीं आ पाए तो इसका मतलब वो टोटली क्या हो गया? स्टेराइल हो गया। ठीक है जी, चलिए अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है फ्री मार्टिन। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री मार्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है? यहां फ्री मार्टिन को समझना। फ्री मार्टिन में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों का एक साथ जन्म होता है, यानी जुड़वा जन्म, जुड़वा होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल का दोनों साथ होते हैं, मेल और फीमेल का दोनों साथ होते हैं, जिसमें से क्या होता है? मेल तो क्या होता है? सामान्य होता है, जबकि फीमेल क्या होती है? स्टेराइल होती है। मेल तो सामान्य होता है और फीमेल क्या होती है? स्टेराइल होती है। इसे अपन कहते हैं, इसे अपन बोलेंगे फ्री मार्टिन। क्या बोलेंगे? फ्री मार्टिन। ठीक है दोस्तों, अमन मीना बिल्कुल गाय में जुड़ो बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्री मार्टिन मेल एंड फीमेल का जोड़े में पैदा, मेल एंड फीमेल का जोड़े में पैदा। अब इसमें ध्यान देना कि जो मेल होता है वो तो सामान्य रहता है, मेल है वो क्या रहता है? सामान्य रहता है, जबकि फीमेल क्या हो जाती है?
स्टेराइल यानी कि बांझ रहेगी। फीमेल यहाँ पर क्या रहती है? बांझ रहती है, स्टेराइल रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं बात करता हूं नेक्स्ट सर्विंग। सर्विंग और इसके अलावा मैं बात करूंगा काविंग। अब सर्विंग और काविंग तो मेरे लाडले ही बता देंगे, फटाफट कमेंट में जवाब दे करके बता दीजिए। हाँ हाँ फीमेल स्टेराइल रह जाती है, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। फटाफट मुझे अब जवाब दे दीजिए, मैंने पूछा उसका सर्विंग और काविंग का। सर्विंग का और काविंग का फटाफट बता दीजिए भैया। सर्विंग और काविंग क्या होती है? बताइए भैया। बता दो फटाफट। मैं पूछता हूँ उस चीज का जवाब नहीं देते हो, ऐसे तो खूब कमेंट कर देते हो मेरे लाड लो। चलिए बता देते हैं फिर। सर्विंग क्या होती है? एक्ट ऑफ मेटिंग, संभोग क्रिया। और काविंग क्या होती है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन यानी कि प्रसव की क्रिया। प्रसव या पार्चुरेशन का एक्ट जो है प्रसव की क्रिया। ठीक है चलिए नेक्स्ट बारन या बायरे। नेक्स्ट क्या है? बारन या बायरे। और ये कैटल बफेलो का जो हाउस है उसे क्या कहते हैं? बारन या बायरे कहते हैं। बारन या बायरे कहते हैं, हाउस ऑफ कैटल बफेलो। ठीक है बार खलिहान गौशाला। ठीक है बार बायरे, ये अंग्रेजी का हिंदी मीनिंग बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है कैटल बफेलो के हाउस को क्या बोलते हैं? बार या बायरे बोलते हैं। ठीक है अब इसके बाद में एक और है मुल्लर काऊ। मुल्लर काऊ या निम्फो मेंडिंग काऊ, ये क्या होती है? एक काऊ ऑलवेज रिमेन इन हीट, यानी ऐसी गाय जो हमेशा क्या रहती है? हीट में रहती है, ताव में रहती है, उसे क्या कहते हैं? बुल्लर काऊ या निम्फोमेनिक काऊ बोलेंगे। ठीक है बुल्लर काऊ या निम्फोमेनिक काऊ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, जाग रहे हो कि सो गए? क्या लिख रहे हो? बकरी बकरी। चलिए ये एक बार फिर से बता देता हूँ, क्रिप्टोर्किड मेल कैटल या बफेलो में एक या दोनों टेस्टिस उधर गुहा में रह जाते हैं, वृषण कोश यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं। प्रीमार्टिन मेल और फीमेल का जोड़े में पैदा होते हैं। मेल तो सामान्य होता है, फीमेल क्या होती है? स्टेराइल होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इसके अंदर स्टेराइल कौन होती है? प्रीमार्टिन। तो स्टेराइल कौन होती है? फीमेल। सर्विंग है एक्ट ऑफ मेटिंग और काविंग है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन या प्रसव। बार बायरे क्या है? कैटल बफेलो का हाउस है। बात करें मुल्लर काऊ या निम्फोमेनिक काऊ की, तो वो क्या होती है? एक काऊ ऑलवेज रिमेन इन हीट। ठीक है जी चलिए अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो सीप की स्पीसीज है उससे रिलेटेड। सीप की स्पीसीज से रिलेटेड तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा रेम यानी मेंढा। ठीक है फिर उसके बाद में बात करेंगे मेंढे के घरवाली की। मेंढे के घरवाली ईव भेड़। भेड़ मेंढा रेम या मेंढा क्या है? वयस्क मेल है
और ये क्या है जी, वयस्क फीमेल है, ये क्या है वयस्क फीमेल है, रेन या मेंढक हो गया वयस्क मेल, ईव या भेड़ होगी आपके वयस्क फीमेल। इसके बाद में अपन इसके अंदर आगे बात करेंगे, तो देखो दोनों ही वयस्क है तो सीधी सी बात है किसमें यूज होंगे, प्रजनन में यूज होंगे, दोनों ही किसमें यूज होंगे, प्रजनन में यूज होते हैं, दोनों ही किसमें यूज होते हैं जी, प्रजनन में यूज होते हैं। क्या है कमेंट करते हो डिलीट करते हो, कोई बात नहीं भैया, चलो चलो फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लेम यानी कि मेमना, लेम यानी कि क्या है मेमना, लैम्ब मेमना यानी इसका बच्चा रहेगा, बच्चा मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है, इनका क्या रहेगा बच्चा, वो क्या हो सकता है मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। एज क्या रहेगी उसकी, एक साल से कम रहेगी या अपन कह देंगे विनिंग तक, ठीक है, तो यहाँ पर लैम्ब जो है एज है उसकी एक साल से कम ही रहेगी, एज है वो अगर एज में बात करें तो एक साल से कम कम या अपन कह देंगे विनिंग तक। अब ये विनिंग क्या होता है, विनिंग विनिंग क्या होती है, जैसे कि जो बच्चा है जब तक वो माँ के पास रहता है माँ दूध पिलाती रहती है, ठीक है, बच्चे को छोड़ दिया बच्चा दूर चला गया, तो ये एज है उस, ये जो है उसे कहते हैं विनिंग पीरियड, जब तक वो उसके पास रहता है, ठीक है, तो विनिंग। रिमार्टिन क्यों होता है और एनिमल्स में क्यों नहीं होता है, आज पूछ के आऊंगा मैं मेरी गाय को, ठीक है, हाँ जी, जिमर भी बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जिमर क्या है, फर्स्ट सीयरिंग से सेकेंड सीयरिंग के बीच कौन है, ये फीमेल सीप है, फर्स्ट सीयरिंग से सेकेंड सीयरिंग के बीच फीमेल सीप, फर्स्ट सीयरिंग से क्या है सेकेंड सीयरिंग के बीच की फीमेल सीप है, ठीक है, आयुषी जी अमन जी बिल्कुल सही बात है, चलिए जी नेक्स्ट, बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत आगे जाने वाले हो भैया। फिर उसके बाद देखिए फ्लॉक या हर्टल, फ्लॉक या हर्टल, फ्लॉक या हर्टल क्या होता है, भेड़ों का समूह है, भेड़ों का क्या होता है समूह है। फिर उसके बाद बात करेंगे टपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, टपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही एक और बात कर लेता हूं लैम्बिंग, टपिंग और लैम्बिंग, लैम्बिंग नहीं दिख रहा लैम्बिंग उधर लिख देंगे, टपिंग टपिंग क्या है, देखो सर्विंग क्या थी, एक्ट ऑफ मेटिंग किसके अंदर, कैटल बफेलो में, यहाँ सीप के अंदर जो है एक्ट ऑफ मेटिंग को बोलते हैं टपिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग संभोग की क्रिया, ठीक है, और लैम्बिंग, लैम्बिंग क्या होती है, लैम्ब क्या होता है, लैम्ब होता है बच्चा, ठीक है, और लैम्बिंग हो जाएगी बच्चा लेने की क्रिया, जिसे अपन कहते हैं प्रसव की क्रिया, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं प्रसव की क्रिया, एक्ट ऑफ पार्टुरेशन, प्रसव की क्रिया क्या हो गई भैया लैम्बिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जिमर लैम्ब और रेम लैम्ब, जिमर लैम्ब, जिमर लैम्ब और रेम लैम्ब, देखो जिमर क्या होती है फीमेल और लैम्ब क्या होता है बच्चा,
लेकिन जिमर होती है जो होती है फर्स्ट शियरिंग से सेकंड शियरिंग, और लैम होता है बच्चा। लेकिन यहाँ पर जिमर लैम और रैम लैम, ठीक है, न तो बच्चे है न ही ज्यादा वयस्क है, ये यंग है। क्या है? यंग है। तो इसे कहते हैं कि यंग फीमेल, और ये आगे हो जाएगा यंग मेल। रैम लैम क्या हो जाएगा? आपके यंग मेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन किसकी, पेन। किसकी बात करेंगे? पेन। पेन क्या हो जाएगा इसका? हाउसिंग। वेदर या वेदर? पेन। पेन क्या हो गया इसका? हाउस। अब एक और नाम आएगा वेदर, वेदर या वेदर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो वेदर या वेदर, तो ये क्या हो जाएगा? कास्टेटेड मेल, ठीक है। सीप का हो चाहे गोट का हो, ठीक है, उसे वेदर या वेदर कहते हैं। कास्टेटेड मेल ऑफ सीप एंड गोट, ठीक है जी। जी बताओ, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन लैम्बिंग, एक्ट ऑफ मेंटेन टपिंग। बिल्कुल लाइसी जी, बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए एक बार बार पूरी चीजें अपन फटाफट देख लेते हैं वापिस, ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। चलिए, क्रिप्टोआर्किड, क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ। मेल केटल बफेलो के अंदर एक या दोनों टेस्टिस उदर गुहा में रह जाते हैं, स्क्रोटम वृषणकोश में नहीं आते। प्रीमार्टिन, मेल फीमेल का अलावा जोड़े में पैदा होते हैं। मेल तो सामान्य होता है और फीमेल क्या होती है? स्टेराइल होती है। फिर बात आ रही थी सर्विंग की और काविंग की। सर्विंग बोलते ही आपने बोल दिया एक्ट ऑफ मेटिंग, काविंग बोलते ही बोल दिया एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। फिर मैंने कहा टपिंग, टपिंग भी क्या है? एक्ट ऑफ मेटिंग, लेकिन किस में है? सीप के अंदर है, ठीक है। फिर मैंने कहा लैम्बिंग, तो आपने कहा एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, लेकिन किसके अंदर? सीप के अंदर बोला, ठीक है। चलिए फिर, और इसके बाद में अपन ने बार बार केटल बफेलो का हाउस बोला, लेकिन यहाँ पर इनका हाउस क्या बोला? पेन बोला, पेन यानी बाड़ा। इनका हाउस पेन बोल दिया, ठीक है। फिर और बात करी यहाँ पर कि बुल्लर कब या वुमेनिक कब क्या होती है? ऐसी कब होती है जो ऑलवेज हीट में रहती है, हमेशा ही ताव में रहती है, ठीक है। रेम मेंढा, वयस्क मेल प्रजनन में यूज करते हैं। ईव भेड़ है, वयस्क मेल है, इसका भी यूज किस में किया जाता है? प्रजनन में ही यूज किया जाता है, ठीक है। लैम्ब क्या है? मेमना है, बच्चा है, मेल या फीमेल। एज जिसकी कितनी हो, एक साल से कम, यानी बोलते कई बार विनिंग तक बोलते तो भी ठीक है। जिमर क्या है? जिमर फर्स्ट शियरिंग से सेकंड शियरिंग के बीच है। जिमर सबसे पहली बार तो फीमेल सीप है, जिसकी एज कहाँ हो? फर्स्ट शियरिंग से सेकंड शियरिंग। शियरिंग अपन ने बताया था पीछे की क्लास में कि शियरिंग का मतलब होता है ऊन कतरना, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए फिर इसके बाद में अपन ने बात करें किसकी? फ्लॉक या हर्टल की। तो भेड़ों का समूह होता है फ्लॉक या हर्टल। टपिंग क्या होती है? एक्ट ऑफ मेटिंग। लैम्बिंग क्या होती है? प्रसव की क्रिया या एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। पेन क्या हो गया इनका? हाउस। वेदर या वेदर क्या हो गया? कास्टेटेड मेल ऑफ सीप एंड गोट, उसे वेदर या वेदर कहेंगे। याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि उनका क्या बढ़ा दिया रहे? मौसम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया रहे? मौसम बढ़ा दिया। रेम लैम्ब और जिमर लैम्ब, जिमर लैम्ब हो गए यंग मेल और रेम लैम्ब हो गए यंग मेल, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो गए अपने टर्मिनोलॉजी किस किस की, केटल बफेलो की और शीप की कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप लोग कहे तो गोट की भी करा दें या फिर गोट की कल पढ़ना चाहते हो? आप बताओ भैया, गोट की भी करा दें या गोट की कल पढ़नी है? बताओ बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ, जब तक मैं मिटाता हूँ। गोट की आज ही कराएं कि गोट की कल पढ़ना चाहते हैं? बताओ बताओ भैया फटाफट। गोट वाले भी आज ही पढ़ना चाहते हो कि कल पढ़ना चाहते?
हाँ जी आजी एजीयूबिस आयुष तो कह रही है एजीयूबिस आप पढ़ाओगे तो ठीक है वरना मैं खाना खाने चली जाऊंगी। दिनेश जी कह रहे हैं आजी, अमन जी कह रहे हैं आजी। ओके भैया तीन तीन जने बोल रहे हो तो अब तो काम करवा देते हैं, आज ही निपटा देते हैं। चलो भैया चलिए तो गोट में देखो सबसे पहले गोट की क्या प्राइम है ना, है ना क्या प्राइम क्या है इसकी स्पीसीज है। चलिए स्पीसीज ऑफ गोट सबसे पहले बिली या बकर, बिली या बक ठीक है। फिर उसके बाद में आपके आएगा नैनी या डो, नैनी या डो ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा इसके कौन किड, किड ठीक है। फिर यहां पर फ्लॉप ट्रिप बैंड, फ्लॉप ट्रिप बैंड। फिर उसके बाद ब्लीटिंग, ब्लीटिंग। फिर सर्विंग और किडिंग, और फिर आएगा आपका किडिंग ठीक है जी जी। फिर आपके बकलिंग और गोटलिंग, ये लिख देता हूं बकलिंग और गोटलिंग ठीक है, बकलिंग और गोटलिंग। और लास्ट में बात करेंगे किसकी पेन की ठीक है। हाँ जी आपको कोई सा पता है तो बता दीजिए। हाँ सर खाना खाने ही जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल हमें पता था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चौधरी साहब, गुड इवनिंग। हाँ जी चलिए तो यहां पर देखो फटाफट बक डो वगैरह ये सब फटाफट देखते हैं क्या है। बिली या बक ये क्या है, वयस्क मेल है। क्या है जी, वयस्क मेल है। नैनी या डो क्या है, वयस्क फीमेल है, वयस्क फीमेल है ठीक है। किड क्या है, किड है बकरी का बच्चा, किड क्या है बकरी का बच्चा। चलिए किड है बकरी का बच्चा, बच्चा बच्चा बोले तो वन ईयर से छोटी होगी एज। फ्लॉग ट्रिप बैंड ये इनका क्या होगा, समूह है, बकरियों का झुंड या समूह है। ब्लीटिंग क्या है, ब्लीटिंग का मतलब होता है मिमियाना, हिंदी में बोलो तो मिमियाना ना, यानी बकरी की आवाज, बकरी की क्या हो जाएगी आवाज, ब्लीटिंग ठीक है। फिर है सर्विंग और किडिंग। सर्विंग है एक्ट ऑफ मेटिंग यानी संभोग की क्रिया, और किडिंग है प्रसव की क्रिया, किडिंग है प्रसव की क्रिया। बकलिंग और गोटलिंग, बकलिंग बक से आपको पता चल रहा है मेल है, गोट से पता चल रहा है फीमेल है ठीक है। और गोट बकलिंग का मतलब होता है यंग मेल, जवान नर
और गॉटलिंग हो गया यंग फीमेल, जवान मादा। लास्ट में बात करेंगे पेन, पेन हो गया क्या है इनका हाउस, ठीक है। हाउस शीप का भी यही है, गोट का भी यही है, ठीक है। हाँ जी जी, क्या बात है, मेल गोट जो प्रजनन के लिए पाली जाए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हाँ वयस्क प्रजनन, बिल्कुल सीधी सी बात है, वयस्क प्रजनन के लिए ही यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, प्रजनन के लिए यूज, ठीक है। चलिए, बिली या बक हो गया वयस्क मेल या फीमेल, वयस्क मेल हो गया। नेनी या डॉग हो गई आपका वयस्क फीमेल। किड, किड होता है बकरी का बच्चा, ठीक है, जो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो और किसी से मजाक करते हो और फिर उसे मैसेज भेजते हो, जस्ट किडिंग, क्या लिखते हो रे, जस्ट किडिंग। और आज के बाद ऐसा मत लिखना रे, ये जस्ट किडिंग, किडिंग का मतलब देख लो क्या होता है, किडिंग का मतलब होता है बकरी का बच्चा पैदा करना, है ना। तो अब की बार जस्ट किडिंग लिखने से पहले 10 बार सोच लेना रे कि जस्ट किडिंग लिखें कि नहीं लिखें, ठीक है भैया। तो ये हो गया प्रसव की क्रिया, बकलिंग हो गया यंग मेल, गॉटलिंग हो गया यंग फीमेल, पेन हो गया यह का क्या है हाउस, ठीक है जी। ब्लीडिंग हो गई इनकी आवाज, गाय भैंस की जो आवाज थी उसे क्या कह रहे थे, बेलोविंग कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बेलोविंग। सर्विंग एक्ट ऑटोमेटिक, गाय भैंस के अंदर भी सर्विंग ही थी, ठीक है। बकरी, बकरी के अंदर किडिंग प्रसव की क्रिया, गाय के अंदर कालिंग और उसके अंदर भेड़ के अंदर की अपनी टपिंग, टपिंग तो एक्ट ऑटोमेटिक थी। प्रसव की क्रिया थी लैम्बिंग, प्रसव की क्रिया क्या थी, लैम्बिंग थी, ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बची हुई जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कैसी लगी आज की क्लास। हाँ जी, कमेंट सिर्फ 3 जनों के आ रहे थे, अमन जी, दिनेश जी और आयुषी जी, 3 जनों के आ रहे थे भैया। अब फटाफट बता दो कैसी लगी आज की क्लास, फिर अपन करते हैं विश्राम, पर अभी 9 बजे अपन चालू करेंगे किसकी, प्रयोगशाला सहायक क्लास, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक की क्लास चालू कर देंगे अभी, तो अगर कोई इच्छुक हो प्रयोगशाला सहायक का परीक्षा देने वाला और उसकी आवाज निहिंग होती है, और उसकी आवाज क्या होती है, निहिंग होती है, अच्छी लगी है, थैंक यू, थैंक यू। अपने साथ वाले लोगों को भी बता दो थोड़ा सा कि क्लासें चल रही है, 10-11 जने आते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम सा हो जाता है, हैं 2-4 जने और देखोगे तो मुझे भी बहुत मजा आएगा पढ़ाने में। तो 2-4 डेढ़ लोग हैं ना जो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, उनको कह दो सर्दियां कम हो गई है आ जाएगा वो। अमन जी कह रहे हैं हाँ सर, कोनी खानो खानो है, अरे खानो खाता ही रो, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। खाना खाओ आराम से, राबड़ी राबड़ी खाना रहे, आयुषी राबड़ी खा के सोना, राबड़ी खा के, राबड़ी खाती कि नहीं खाती, राबड़ी खा के सोया कर।